आदरणीय बंधु भक्तों, आज दिनांक 25 अगस्त 2022 को जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा शिखर वालों के भंडार में पधारे माननीय राज्य मंत्री श्री राम सिंह जी राव, अध्यक्ष राज्य मंत्री वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी राजस्थान सरकार, आपकी अगुवाई रसोड़े के श्री श्री राम जी द्वारा की गई और आपने सर्वप्रथम जाकर के बाबा का मंदिर देखा, दर्शन किए और उनको प्रणाम किया, वहाँ से लिया चरणामृत और भूरी भूरी प्रशंसा की। बाबा के दरबार में आकर के अपने आप को प्रफुल्लित महसूस किया और गौरवान्वित महसूस किया और उपस्थित सभी स्वजनों से वार्ता की। आदरणीय का पधारना एक संयोग ही नहीं बल्कि एक प्रभु के प्रति आस्था और विश्वास रहा है। जी हाँ बंधु, ये है बाबा रामदेव का दरबार जो राम रसोड़ा शिखर वालों के द्वारा बनाया गया है। ये यहाँ पर 13वां भंडारा था जिसमें इन्होंने आकर के चर्चा की और इसी दौरान श्री रामजी पारीख द्वारा इनको सम्मानित करने के लिए उन्हें राजस्थानी परंपरा के अनुसार साफा पहनाया, पगड़ी पहनाई। ये क्षण देखने काबिल क्षण थे, बड़े भाव विभोर हो रहे थे माननीय मंत्री महोदय और उसी के साथ में उप तहसीलदार महोदय भी यहाँ पर उपस्थित थे, उनका भी सम्मान किया गया। बाबा के दरबार का एक चित्र भेंट किया गया जो कि उनकी याद के लिए और ये मोमेंटो के रूप में दिया गया और सभी इनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करने में जुटे हुए थे। जिस तरह से इन्होंने आकर के बाबा के दर्शन किए वो गदगद हो गए, उन्होंने कहा कि कहाँ जंगल में मंगल कर दिया, और श्री राम जी को कहा कि काबिले तारीफ आपका काम और किस तरह से आप हर जनमानस की सेवा कर रहे हैं जो पैदल यात्री आते हैं। सुंदर अवसर था, पधारे माननीय मंत्री महोदय और चारों तरफ का मुआयना करने निकल पड़े। इसी दौरान उन्हें यहाँ पर जो भोजनशाला है उसमें ले जाया गया जहाँ पर दिखाया कि किस तरह से व्यवस्थाएं होती हैं और यहाँ पर जो पद यात्री आते हैं या जो भक्तगण आते हैं उनके खाने की व्यवस्था किस तरह से की जाती है। भली भांति उसको देख करके बड़े ही सहज भाव से मंत्री महोदय ने कहा कि ये कार्य नेक कार्य, आपने किस तरह से ये मुहिम छेड़ी और उसको लगातार आप करते जा रहे हैं। ये सब देख करके बार बार उनका मन गदगद हुए जा रहा था। जी हाँ बंधु, आज शुभ अवसर था, जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा पर पधारे माननीय मंत्री महोदय के रसोड़ा में आगमन का। यहाँ पर आए और आकर के सभी जो भक्तजन थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और यहाँ पर बैठ करके कुछ चर्चा भी की। आपसी चर्चा, इसके बारे में कोई भविष्य में कुछ योजनाओं के बारे में श्री राम जी से बात की और राजेंद्र जी से बात की और अभी विराजमान हैं श्री राम जी के बड़े भाई श्री सत्यनारायण जी और राजेंद्र जी यहाँ पे विराजमान हैं। तहसीलदार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ वार्ता चर्चा हो रही है इनके बीच में। ऐसी जगह देख करके बहुत ही प्रफुल्लित हुए और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं ये नेक काम काबिले तारीफ, उन्होंने काफ़ी बड़ाई की और देख करके खुश हुए। और यहाँ पर जो यात्री आए हुए थे उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनके बीच में रहे और अपने आप को इनके बीच में पा करके और भक्तों को देख करके फिर एक बार से बड़े खुश मिजाज होकर के यहाँ से प्रस्थान किया। जी हाँ बंधु, तो ये थी यात्रा माननीय मंत्री महोदय की। मंत्री महोदय ने पूरे भंडारे का यहाँ पर अवलोकन किया, इसे रसोड़े का पूरे का अवलोकन किया और उसके पश्चात यहाँ से प्रस्थान कर गए। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जय बाबा रामदेव राम रसोड़ा शिखर वालों के भंडारे में।